क्वेश्चन नंबर 6। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज 8x+4 इक्वल्स टू 3x-1+7। इट्स 8x+4 इक्वल्स टू 3x-1+7। अब ऐसे केस के अंदर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। हमें पता है बोर्ड मास में P फॉर ब्रैकेट। तो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी इक्वेशन इज द बोर्ड मास। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट। तो 8x+4 एज इट इज इक्वल्स टू, अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको ध्यान रखना, बहुत बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं। तो प्लीज इसको देखें ध्यान से। 3x-1 दिया हुआ है, 3x-1 का मतलब 3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, और अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है? ये मल्टीप्लाई। सो इट विल फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल? 3 जो है सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। इट्स वेरी सिंपल। तो करके देखते हैं, 3 को पहले किया x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x। साइन क्या है? माइनस, तो माइनस को एज इट इज लिखा, और फिर 3 हो गया 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 +7। आई रिपीट, 3 × x-1, 3 हुआ पहले x से मल्टीप्लाई, तो आएगा 3x। 3 × x = 3x। फिर जो बीच में साइन है वो एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस हो चाहे माइनस हो। फिर 3 होगा 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, इट विल बी 3x-3। नाउ अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल वही बन चुका है ये। 8x+4 इक्वल्स टू 3x तब तक ट्रांसपोज नहीं करेंगे जब तक हम एक साइड को सॉल्व नहीं कर लेते। इस चीज का प्लीज ध्यान रखें, कोशिश कीजिए कि पहले एक साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले उसको हम सॉल्व कर लें जितनी सॉल्व हो सकती है, और उसके बाद ही हम ट्रांसपोज करें। जैसे यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 3 और 7, तो हम शिफ्ट करने से पहले इनको सॉल्व करेंगे। इट्स -3+7, दोनों के अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 7 - 3 = 4, दोनों के अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 4। और साइन किसका लगेगा? 7 का, क्योंकि 7 बड़ा है और उसके साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे +4। अब हम ट्रांसपोज कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे अब दोनों ही टर्म्स हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, एक वेरिएबल वाली टर्म है और एक कॉन्स्टेंट है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 8x+4 एज इट इज, अब शिफ्ट कौन होगा? 3x, 3x ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड पे और बन जाएगा नेगेटिव, तो ये होगा -3x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे बच गया 4, उसको एज इट इज लिखेंगे। लाइक टर्म्स हम इकट्ठी लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 4। तो 8x-3x, 8-3 दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 5x+4 = 4। इट्स वेरी सिंपल। नाउ 5x एज इट इज, एक्स्ट्रा कौन है? 4, तो 4 को ट्रांसपोज करेंगे और क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट, इक्वल्स टू 4-4, तो 5x = 4-4 = 0, इट विल बी 5x = 0। इसको यहां कर लेते हैं अलग से। Hence, x comes out to be 0/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जैसे ही हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये वहां जाके होगा डिवाइड। तो 0 पहले लिखना है क्योंकि 0 राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है, वो वहां का किंग है, तो पहले लिखना है हमने इक्वल टू के बाद 0 और फिर 5 को जाके डिवाइड करवाना है, तो आ जाएगा 0/5 एंड इट इज 0, सो x = 0। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 0। सो थैंक यू सो मच।